जाको राखे साई या मार सके ना कोई। जी हाँ, ये कहावत तो आपने खूब सुनी होगी। ऐसा ही एक नजारा फिरोजाबाद में सामने आया है, जहाँ शिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर एक महिला रेलवे ट्रैक पर फंस गई। महिला स्टेशन पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी कि तभी सामने से तेज रफ्तार ट्रेन आती हुई दिखाई दी, जिससे महिला और घबरा जाती है। लेकिन तब तक एक रेल कर्मी दौड़कर उनकी सहायता के लिए आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींच लेता है, जैसा कि आप सीसीटीवी तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। तो देखा आपने कैसे इस महिला की जान बची। ये बड़ा कारनामा करने वाले रेलकर्मी का नाम है राम स्वरूप मीणा, जो कि फिरोजाबाद के टुंडला में रहते हैं, और इनकी ही सतर्कता से इस महिला को एक नई जिंदगी नसीब हुई है। इस घटना पर मीणा जी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। सर, महसूस तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं शिकोहाबाद कर्मचारियों का कैंप था, शिकायत कैंप, उसी को अटेंड करने गया था। उसी दौरान किसी कर्मचारी का मेरे मोबाइल में फ़ोन आता है, तो मैं बात करता हुआ डिप्टी एसएस के ऑफिस से बाहर निकला। उसी दौरान मेरी नज़र पड़ी एक महिला लाइन क्रॉस कर रही है, उधर से जोधपुर आवड़ा अपनी स्पीड के साथ आ रही है। तो मैंने फिर तुरंत बिना सोचे समझे मोबाइल को बंद किया, तुरंत भागा, भाग के मैंने महिला को खींचा और उनकी जान हमने सुरक्षित बचाने में हम कामयाब रहे। बता दें कि राम स्वरूप मीणा रेलवे में वेलफेयर इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है। उनकी इस बहादुरी को देखकर रेल कर्मचारी उनके आवास पर पहुंचे और उनके इस कार्य की सराहना करते हुए फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। बहरहाल ये घटना यात्रियों को सबक देती है कि इस तरह रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश ना करें, स्टेशन पर बने फुटओवर ब्रिज का इस्तेमाल करें, जिससे अनहोनी से बचा जा सके। फिरोजाबाद से न्यूज वॉच इंडिया के लिए किशन चंद की रिपोर्ट।